नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझी में। दोस्तों, जिस तरीके से शिल्पी राघवानी खेसारी लाल यादव के साथ नजर आई है, यानी कि शिल्पी राघवानी का खेसारी लाल यादव के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि काजल राघवानी का जगह शिल्पी राघवानी लेने वाली हैं, क्योंकि शिल्पी राघवानी काफी ज्यादा टैलेंटेड टिकटॉक स्टार रह चुकी हैं और इंस्टाग्राम पर उनके डांस के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। तो वहीं लोगों का ये भी कहना है कि शिल्पी राघवानी के साथ खेसारी लाल यादव का एक कामर भजन भी आ रहा है, जिसके बाद से उनकी अदाकारी और उनकी एक्टिंग को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या वो काजल राघवानी की जगह ले सकती हैं या फिर नहीं ले सकती हैं। लेकिन बात करें तो अब काजल राघवानी ने भी लगभग खेसारी का साथ छोड़ दिया है, यानी कि खेसारी से जो उम्मीद थी काजल राघवानी को, अब वो शायद छोड़ दिया है, जिसको लेकर वो अब एक नए फिल्म की चर्चा में आ गई है। पूरी जानकारी क्या है, पूरी जानकारी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल भोजपुरी रिमझिम को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि खेसारी और काजल राघवानी की जोड़ी कितनी जबरदस्त थी और कितना बड़ा बड़ा अवार्ड भी जीती थी और कितने सुपरहिट फिल्में जो है वो दोनों जोड़ी ने दी थी। बेस्ट जो कपल जोड़ी का अवार्ड होता है वो भी मिला था, लेकिन जब विवाद हुआ तो काजल राघवानी अपने रास्ते हो गई, खेसारी लाल यादव अपने रास्ते हो गए और खेसारी लाल यादव नए नए अदाकारों के साथ जबरदस्त गाने कर रहे हैं, जिसको लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा हो रही है कि अब काजल राघवानी का खेसारी लाल यादव के कैरियर में कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि खेसारी लाल यादव काजल राघवानी नहीं बल्कि और भी झक्कास अभिनेत्रियों के साथ काम कर रहे हैं। इसी बीच काजल राघवानी का कल एक सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई और तस्वीर जो है वो भोजपुरी के एक सुपरस्टार अभिनेता हैं, जिनका नाम है यश मिश्रा। जी हाँ, बात करें तो यश मिश्रा के साथ काजल राघवानी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो एक फिल्म की मुहूर्त करती नजर आ रही है, जिस फिल्म का नाम है दंडनायक, जो कि यश मिश्रा एंटरटेनमेंट का जो बैनर तले है ये फिल्म बन रही है। इसके डायरेक्टर सुजीत वर्मा है और कैमरामैन जहांगीर सैयद है, जो कि उस तस्वीर पर लिखा हुआ है। इसके बाद से अब लोग कह रहे हैं कि काजल राघवानी अब खेसारी लाल यादव से उम्मीदें छोड़ दी हैं और वो अब नए एक्टर के साथ अपनी जोड़ी बना ली हैं, जो कि यश मिश्रा हैं। और लोगों का ये भी कहना था कि भोजपुरी के सुपरस्टार के साथ काम कर रही थी, तो जिस तरीके से उन्होंने पंगा लिया, शायद उसका ही ये परिणाम है, जिसकी वजह से भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार नहीं बल्कि अन्य स्टारों के साथ काम करने के लिए उनको झुकना पड़ा है और अब वो बड़े सुपरस्टार पावर स्टार जैसे लोगों के साथ नहीं बल्कि यश मिश्रा के साथ काम कर रही हैं। लेकिन जो भी है, काजल राघवानी ने अपना नया रास्ता चुना है और ऐसे लोगों के साथ उन्होंने जोड़ी बनाई है। तो आपकी क्या राय है इन जोड़ी पर, कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि क्या फ्यूचर में खेसारी लाल यादव को काजल राघवानी के साथ काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जानकारी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाइए पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।